हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, वो भी एक ट्रिक का यूज़ करके। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने ये फिगर है और इसमें हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते थे पहले, इस तरह से इसमें कंस्ट्रक्शन करते थे और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल का वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। उसके बाद लीनियर पेयर से इस एंगल को फाइंड करते थे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो एक्स के सामने दो एंगल है, 70 और 20, तो 70 और 20 को ऐड करके 90 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, उसको जानने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो 3 एंगल है अपोजिट टू दी एक्स, इन तीनों एंगल को जोड़ देना है। जैसे एक्स इक्वल्स 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एक्स के अपोजिट, यानी एक्स के अपोजिट जो तीनों एंगल है इंटीरियर एंगल, उन तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ देंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।